साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जाति आधारित गणना 2022 की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका हम लोग ब्यौरा देखने वाले हैं, कोटिवार और जातिवार। ठीक, देखिए आप जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पास जो पीडीएफ प्राप्त हुआ है उसमें कि कुल आबादी 13,07,25,310 है और ये जो आबादी है यह बिहार में कुल 214 जातियों में इसको विभक्त करके इसको आंकड़े को सामने लाया गया है। जो आंकड़े हैं बिहार के उसमें जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं वह जाति के क्रम के हिसाब से है और यहां पर हमने उसको जो है सबसे अधिक आबादी को सबसे कम आबादी के घटते क्रम में उसको अरेंज किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे अधिक जो आबादी है वह 165 करोड़ यादव जाति की है और इसकी आबादी 14.27% है, यह पिछड़ा वर्ग से है। और दूसरी जो आबादी है, जो सबसे बड़ी आबादी है वह है दुसाध धारी धड़ही जाति की, यह एससी कोटि में आता है और इसकी आबादी 5.31% है। और इसके बाद चमार मोची रविदास जाति की है जो एससी कैटेगरी से आते हैं और उसकी आबादी 5.26% है। इसके बाद आता है कुशवाहा कोइरी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसकी आबादी 4.21% है। फिर शेख है, पांचवी जो जाति है वह शेख है, यह समान वर्ग में है और यह मुस्लिम संप्रदाय से है और इसकी आबादी जो है वह 3.82% है। फिर इसके बाद ब्राह्मण, यह समान वर्ग से है और इसकी आबादी 3.66% है। और फिर सातवीं जो सबसे अधिक आबादी वाली जाति है वह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, मोविन मुस्लिम आबादी जो है इसकी है। और इस तरह से जो है आबादी का घटता हुआ क्रम आप देख रहे हैं और इस तरह से जो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप देखिए क्रम में जो है इसके बाद आता है राजपूत समान वर्ग से है 3.45%, फिर है मुसहर जो एससी वर्ग से है 3.09%, फिर है कुर्मी जो 9 जो जातियां हैं उसकी आबादी 50 लाख से एवब है, 9 जातियों की आबादी जो है 50 लाख से एवब है और उसमें ये 9 ऊपर की जातियां हैं। इसके बाद आता है कुर्मी जिसकी आबादी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 37,62,969 है और ये 2.88% है, यह पिछड़ा वर्ग से आता है, यह है पिछड़ा वर्ग से। फिर भूमिहार समान वर्ग से है और यह 2.87%। अब फिर जो 12वीं आबादी में के हिसाब से जो जाति है वह अत्यंत पिछड़ा से है ईबीसी कैटेगरी से और 2.81%। इसी तरह से जो है जातियों का जो आप देख रहे हैं, इसके बाद आता है मल्लाह बनिया कानू, बनिया बीसी कैटेगरी से है, मल्लाह ईबीसी कैटेगरी से है, कानू ईबीसी कैटेगरी से है। तो इस तरह से जातियों का क्रम है, आप इसको जो है आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से क्रम है। आप इसके पास ये वाला आंकड़े जो है आपके पास पीडीएफ के रूप में जो बिहार सरकार ने पब्लिश किया हुआ है और हमने उसको अरेंज कर दिया है, इस तरह से आप देख रहे हैं। और फिर ये इस तरह से जो है आबादी का आप परसेंटेज देख रहे हैं, इसमें जो आबादी है वह 50 लाख से अधिक आबादी वाली 9 जातियां हैं और 20 लाख से 50 लाख की आबादी वाली जो जातियां हैं उसकी संख्या 12 है। इसी तरह से ये आप इसको देख रहे हैं, ये देख लीजिए, यह जो भी आंकड़े है हम इसको फिर कोटिवार भी इसका विश्लेषण करेंगे। ये आंकड़े आपके सामने में है, जो भी जातियां हैं वो इस तरह से अरेंज कर दी गई है, सब कैटेगरी वाइज है और किस संप्रदाय से, हिंदू या मुस्लिम, किस धर्म से आते हैं वो भी हमने इसको अरेंज कर दिया है। इस तरह से जो है यह आबादी का पूरा ब्यौरा है। फिर हम लोग इसको कोटिवाइज देखने जा रहे हैं, ये आप देख लिए इसको, इसके बाद जो है हम इसको कोटी वाइज भी एनालिसिस करेंगे। अब 10,000 से कम आबादी वाली भी जो जातियां हैं वो 81 जातियां, 81 ऐसी जातियां हैं 214 में जिसकी आबादी जो है 10,000 से कम है। इसमें ज्यादातर जो है अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं और इसकी आबादी कम है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के की आबादी है। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ का जो है वो कैटेगरी क्लिफिकेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए वो आप कॉलम खाली देख रहे होंगे। इस तरह से जो कुल आबादी आप सामने में आ रहा है वह है 13,07,00,000, ये जो आबादी है 13,07,25,310 आबादी हो गया टोटल। अब हम लोग इसको जो है कोटी वाइज देखने जा रहे हैं कि कोटी वाइज आबादी क्या है और उसके आंकड़े क्या है। तो जैसे पहला कोटी है समान कोटी, समान कोटी में जो है जो जातियां हैं वो
लगभग 7-8 जातियां हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलाकर के, तो उसमें देखिए कि जो आंकड़े हैं वह 15.52% कुल आबादी का जो सामान्य वर्ग है उसमें जो शेख है वह सबसे अधिक आबादी है जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, और इसकी आबादी ये कुल आबादी जो है 2,02,91,679, उसमें जो शेख की आबादी है वह 24.62% है कुल आबादी, कुल सामान्य वर्ग की कुल आबादी में जो सबसे अधिक आबादी है शेख, उसकी आबादी जो है 24.62% है, और दूसरी जो सबसे बड़ी जाति है सामान्य वर्ग में वह है ब्राह्मण, और उसकी आबादी है इसमें सामान्य वर्ग में 23.56%। तीसरी आबादी है राजपूत, इसकी आबादी है 22.32% सामान्य वर्ग की आबादी में। यहाँ जो आंकड़े मैं दे रहा हूं यह प्रतिशत है, यह सामान्य वर्ग की जितनी आबादी है उसमें इसका प्रतिशत क्या है। भूमिहार जो है सामान्य वर्ग में जितनी आबादी है उसका 18.48% है, पठान जो मुस्लिम धर्म से आते हैं वह 4.82% 86% है। पहले जो सूची आपने देखा उसमें कुल आबादी में उसका परसेंट है, यहां जो आप देख रहे हैं यह है कि सामान्य वर्ग की जो आबादी है उसमें इसका प्रतिशत क्या है। तो उसी तरह से फिर जाकर के कायस्थ जो है सामान्य वर्ग की आबादी में 3.87% है, फिर सैयद जो है 1.47% है, और बंगाली कायस्थ जो है 0.09% है। ये 9-8 प्रमुख जातियां हैं जो सामान्य वर्ग में है, इसके अलावे जो जातियां हैं जो जिसके आंकड़े स्पष्ट यहां से नहीं हो पाए हैं, कुछ जातियां होंगी वो, उसकी आबादी जो 1,64,029 है और यह कुल आबादी का 0.81% है। इस तरह से 2,02,91,679 आबादी है सामान्य वर्ग की। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे कैटेगरी को देखते हैं, दूसरे कैटेगरी में जो इसके बाद है वह है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग जो है कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग का जो परसेंटेज है वह 27.12% है, और इसकी जो कुल आबादी है वह 3,54,63,936 है ये पिछड़ा वर्ग में। इसमें जो टॉप की जो प्रमुख जातियां हैं उसका विवरण यहाँ दिया गया है, टॉप की 10 जाति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि 10 जाति को मिलाकर के ही 99% जो है पिछड़ा वर्ग की आबादी हो जाता है, तो अन्य जो बीसी जाति है उसका 0.5% के लगभग है, और 99% जो है 10 जाति में है। तो उसमें सबसे अधिक जो है पिछड़ा वर्ग में सबसे अधिक यादव है, 1,86,50,119, और यह जो है कुल पिछड़ा वर्ग की जो 3,54,00,000 आबादी है, 3,54,63,936, उसमें यादव जाति की जो आबादी है वो 52.59% है। क्योंकि इसमें ओवरऑल यादव की आबादी पूरे सभी जातियों में सबसे अधिक है, तो उसमें पिछड़ा वर्ग में जो है यह 54%, आधे से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग में यादव की है। इसके बाद दूसरा जो आता है उसमें इसमें आता है कुशवाहा कोरी, यह कुल आबादी जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है उसका 15.53% है। इसके बाद आता है कुर्मी 10.61%। इस तरह से जो है ये आबादी पिछड़ा वर्ग में इन जातियों की आबादी का प्रतिशत इस तरह से है। इसके बाद है बनिया, ये पिछड़ा वर्ग में 8.574% है। इसके बाद ये सारे के सारे हिंदू धर्म से हैं, और पांचवी जो जाति है सुरजापुरी मुस्लिम, ये मुस्लिम धर्म से है और इसकी आबादी पिछड़ा वर्ग में 6.9% है। इसके बाद सोनार है, गोस्वामी है, घटवार है, भाट भट हिंदू में, और मलिक मुस्लिम में। ये आबादी जो है 1 लाख से लगभग है, 1,11,655 मलिक मुस्लिम की। तो ये इस तरह से जो है ये आंकड़े हैं, कुल आबादी जो है वह 99% जो है आबादी सिर्फ 10 जातियों की है पिछड़ा वर्ग में। तो ये पिछड़ा वर्ग का हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे अन्य वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का देख रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा का जो सूची, चूंकि अत्यंत पिछड़ा में अधिक जातियां हैं तो उसमें इसमें आबादी है कुल आबादी का अत्यंत पिछड़ी की जो आबादी है वह 37.36.01% है, और ये इसकी जो कुल आबादी है वह है आपको जो ये कुल आबादी है 4,70,80,000। तो 4,70,80,000 जो आबादी है इसमें सबसे अधिक जो आबादी है वह है मोमिन मुस्लिम जुल्हा अंसारी जो कहते हैं, वह यह मुस्लिम धर्म से है और इसकी आबादी जो है वह है 46,34,000, और यह कुल ईबीसी आबादी का 9.48%। दूसरे स्थान पर आता है तेली हिंदू धर्म से, और यह इसकी आबादी
36,77,491, यह कुल ईबीसी आबादी का 4.7.81% है। इसके बाद मल्लाह, कानू, धानुक, ये सब नोनिया, चंद्रवंशी, ये सब जातियां हैं। और ये इसका प्रतिशत जो है इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे मल्लाह का है 7.24%, कानू का है 6.14% ईबीसी की आबादी में। तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह से ये सारी जातियां जो है इसके आंकड़े यहाँ दिए हुए हैं, जो ईबीसी की जातियां हैं। इसमें कुल जो जाति आप देख रहे हैं इसमें चूंकि अधिक है, तो इसमें कुल 64 ऐसी जातियां हैं जिसकी आबादी 20,000 से अबव है, और 20,000 से अबव है। और यह जो है कुल जो है लगभग 99% आबादी जो है इसी 64 जातियों में यह बटी हुई है। और फिर जो है लगभग 4 लाख आबादी जो है बसती है बाकी के जो ईबीसी जातियां हैं उसमें। तो इस तरह से ईबीसी आबादी का आपने प्रतिशत देख लिया। इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि इसको आप एक बार जो है एक बार इसको हम धीरे से इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए कि यह ईबीसी का जो आबादी है इसका प्रतिशत क्या है। आप इसको आसानी होगा आप देखने के लिए, इसको आप देख सकते हैं कि जैसे आप कुलहिया है यहाँ पर, सॉरी कुलहिया यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुलहिया हिंदू हो गया, यहाँ मुस्लिम संप्रदाय से है। जैसे कमार है, कर्मकार है, यह 1.74% है। क्या कहते हैं इसमें, इस ईबीसी में हलवाई है 1.69%। इस तरह से तो जैसे मुस्लिम में भी धोबी है, उसकी आबादी है 0.87%, लगभग 4 लाख से आबादी है। तो दांगी जैसे है 3,36,000 आबादी है इसकी, यह पूरे ईबीसी में 0.72% है। इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये आंकड़े हो गए। इसके बाद आप छोटी छोटी जो जातियां हैं जिसकी आबादी कम है, जातियां तो कोई छोटी नहीं होती है, आबादी के हिसाब से हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप देखिए ईबीसी में ज्यादातर मुस्लिम धर्म की जो आबादी, कम आबादी वाली जो पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उसको शामिल किया गया है। तो आप देख रहे हैं ज्यादातर आपको ये आबादियां, और हमने जैसे कहा कि 20,000 से अधिक जो आबादी है उसकी टोटल जो है ईबीसी में 64 ऐसी जातियां हैं, और बाकी की जो जातियां हैं उसकी आबादी 4 लाख के आसपास है, सभी मिला करके वो 1% से भी कम है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, इसमें इसकी आबादी जो है, अनुसूचित जाति की जो आबादी है यहाँ पर जो ज्यादा लिखा चला गया है, यहाँ पर ज्यादा लिखा चला गया है, यह आबादी जो है 19.65% है। 19.65% ये आबादी है, 19.65% आबादी है, यह 19.65% आबादी जो है कुल, यह आबादी आपको क्या कहते हैं, यह आबादी कुल है ये दो, ये है आपको 2,56,00,000, 2 करोड़, सॉरी ये ईबीसी का यहाँ पर आ गया है, हाँ 2,56,00,000 आबादी है। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आपको यहाँ दिख सकता है, यहाँ पर जो है यह ईबीसी, आप इसको ईबीसी की जगह एससी देख लीजिए, एससी यहाँ होना चाहिए। और ये 2,56,00,000 जो आबादी है उसमें सबसे अधिक जो है वो है दुसाद की, दुसाद धारी धरही, यह लग ये जो है 69 लाख आबादी है, और यह कुल एससी आबादी का 27% है। इसके बाद चमार, मोची, रविदास आते हैं, कुल ऐसी आबादी का 26% है। फिर आते हैं मुसहर, यह 15% है। और इसके बाद है पान, सचारी, पानर, फिर पासी, फिर भुइया, धोबी, रजक, ये कुल आबादी का 4.27% है कुल ऐसी आबादी का। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2,56,79,820 जो आबादी है उसमें से सभी का, जैसे चौपाल है तो इसकी आबादी जो है 4,78,48,000 है, जैसे रजवार है, डोम धनहर है 2,63,000, तो ये 1% के आसपास है एससी में। तो इस तरह से कुल जो 15 जातियां हैं एससी में उसमें ही टोटल 99.97% जो है आबादी है, और इसके बाद एससी की जो अन्य जातियां हो सकती है उसमें 7,000 के आसपास आबादी है। तो यह एससी का हो गया, यहाँ पर मिस्टेक है, आप इसको कंसिडर करेंगे कि जो है कुल यहाँ जो लिखा गया है वह 36, ये यहाँ पर जो लिखा गया है वह 19.65% है यहाँ पर
इसको आप देख लीजिए, 19.65%, 19.65% एससी की टोटल आबादी है। तो इस तरह से एससी का हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एसटी पर। तो एसटी एसटी जो है, इसी तरह से एसटी कुल जो एसटी की आबादी है वह है आपको, जो यहाँ आप देख रहे हैं कि एसटी की जो कुल आबादी है वह, सॉरी, एसटी की जो कुल आबादी है वह आप देख रहे हैं कि 21,91,000, 21 लाख, मतलब लगभग 22 लाख आबादी है एसटी की, और उसमें सबसे अधिक है संथाल। यह कुल एसटी आबादी का 26% है और इसकी आबादी 5,76,000 है। इसके बाद गोंड, खंडवार, लोहारा और लोहरा, उड़ाव, थारू, ये सब जातियां हैं जो एसटी में है, शेड्यूल ट्राइब्स में है। इसकी यहाँ पर आप विवरण देख रहे हैं। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आप देखिए कि ये तो हो गया आपका। अब हम लोग एक बार फिर से समग्रता से देख लें, जो बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट जो आपको 2 अक्टूबर को पब्लिश किया है, उसमें इसको स्पष्ट कर दिया है कि ये आबादी हमारे पास आकर के सामने पिछड़ा वर्ग में, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जैसे हमने बताया 27.12% है लगभग, इसका कुल आबादी है 3,54,00,000, अत्यंत पिछड़ा, जिसका हमने अभी कास्ट वाइज देखा है इस कोटी में। ईबीसी, ईबीसी में जो जातियां हैं उसमें 4,70,00,000 आबादी है, 36% ये है टोटल, ये इसको मिलाकर ये है बीसी और यह है ईबीसी। जो सेंट्रल लिस्ट है यह दोनों मिलाकर के ओबीसी कहलाता है, और इस लिहाज से इसकी आबादी जो है 63% हो जाती है अभी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से, और बिहार में जो है यह बीसी और ईबीसी के रूप में है। एससी जो आप देख रहे हैं 19.65%, इसके बाद एसटी, एसटी 1.68%, इसके बाद यहाँ यहाँ होना चाहिए समान वर्ग, ये यहाँ अनारक्षित लिख करके यह गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए समान वर्ग, क्योंकि अनारक्षित में जो है, अनारक्षित का मतलब होता है अनरिजर्व, यू आर, आप यदि फॉर्म में देखते होंगे तो यू आर में सभी आते हैं, यू आर में सभी जो यू आर की लिस्ट बनती है उसमें सभी जाति के लोग रहते हैं, तो ये अनारक्षित नहीं होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ होना चाहिए समान वर्ग जिसकी आबादी जो है 15.52% है, जिसमें कि जो हमने कास्ट देखा, समान वर्ग की जो जातियां हैं इसका हमने जो ब्यौरा देखा है वो है, समान वर्ग की जो जातियां हैं जो जो हम लोग अभी देख रहे थे, समान वर्ग की जातियां, जैसे कि ये सारी जो जातियां हैं जो समान वर्ग की है, ये जो जातियां हैं समान वर्ग की, तो ये समान वर्ग है यहाँ पर जो है, इसको अनारक्षित नहीं होना है, ये अनारक्षित नहीं होगा, यू आर नहीं होगा इसमें, यू आर नहीं होगा, समान वर्ग होगा इसमें। ये सारी जातियां हैं जो आप देख रहे हैं, टोटल जो है इसमें, इसकी आबादी 2 करोड़ जो है 2,91,679 है। तो ये हो गया इस तरह से। इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो एक और एक हमने जो समरी तैयार किया है उसमें ये है कि जो आबादी है उसमें कैटेगराइजेशन किस तरह से हो सकता है। देखिए जैसे ये है, तो इसमें आप देख सक रहे हैं कि जो कुल हमारे पास जो बिहार ने सरकार ने जो सेंसस सर्वे करवाया है उसमें 214 जाति को शामिल किया गया, 215वां अन्य था, तो उसको आप देखिए तो 50 लाख से अधिक आबादी वाली जो जातियां हैं उसकी संख्या 9 है। यह इसमें यह जाति जो है समान वर्ग में भी है, यह बीसी में भी है, यह एससी कैटेगरी में भी है और यह ईबीसी में भी है। ये जो 9 जातियां हैं ये चारों कैटेगरी में बटी हुई है, जो जिसकी आबादी 50 लाख से अधिक है। फिर 20 लाख से और 50 लाख के बीच की जो जितनी आबादी, जो आबादी है उस उन जातियों की संख्या 12 है। फिर 50 लाख से, सॉरी, 10 लाख से 20 लाख आबादी वाली जातियों की संख्या 10 है, और फिर 5 लाख से 10 लाख आबादी वाली जातियों की संख्या 12 है, और 2.5 लाख से 5 लाख आबादी वाली जातियों की संख्या 17 है, 1 लाख से 2.5 लाख आबादी वाली जातियों की संख्या 18 है, और 50,000 से 1 लाख जातियों की संख्या, आबादी वाली जातियों की संख्या 16 है। इस तरह से ये आंकड़े हैं। और फिर 10,000 से 50,000 जो आबादी है वैसी जातियों की संख्या 39 है, मतलब ये इस तरह से टोटल जातियां जिसकी आबादी 10,000 से अधिक है, वो भी अलग अलग, ये हमने इसको कैटराइज कर दिया है, उन जातियों की संख्या 133 है, और 10,000 से कम आबादी वाली जो जातियां हैं उसकी संख्या 81 है। तो कुल 214 जातियां हैं, और इसका इस तरह से जो है बाइफरकेशन किया गया है। तो ये रहा हमारा एक विश्लेषण। आप लोगों को यह विश्लेषण कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। और हम ये जो जाति आधारित गणना है इससे जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी बातों को आपके सामने लाना चाहते हैं, जैसे किस
जॉब में कितनी किस कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, लोकसभा में कितना है, विधानसभा में कितना है, मिनिस्ट्री वाइज कितना है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में, स्टेट मिनिस्ट्री में, राज्यों वाइज ये सारे किस कैटेगरी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मीडिया में कितना है, इस तरह की जो बातें आपको, जो जानकारी फैक्ट्स आपको चाहिए, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, हम लोग रिसर्च करके उसको आपके सामने लाएंगे, और ताकि आपके पास जो है जो जानकारी है, जो कास्ट सेंसस से जुड़ी हुई, कास्ट सर्वे और कास्ट सेंसस से जुड़ी हुई उन सारी बातों को आप जो है जान सकें, समझ सकें, इन्हीं आशा के साथ कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम लोग इस लेसन वीडियो को आज खत्म करते हैं यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।